नमस्कार, जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप जानते हैं। प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं, तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। अब हम बात करेंगे 26 नवंबर 2019 के उपाय की। 26 नवंबर 2019 को आप जानते हैं मंगलवार है, और आप ये भी जानते होंगे कि जो विशेष नक्षत्र चल रहे हैं वो आपको विशेष लाभ दिला सकते हैं। जब हम विशेष नक्षत्र में विशेष उपाय करते हैं तो हमें विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि विशेष दिनों में विशेष शक्तियां धरती पर प्रवाहित होती हैं। जैसे मैं कहा करता हूँ दीपावली विशेष है, मैं कहा करता हूँ शिवरात्रि विशेष है, ऐसे ही आज का दिन भी अपने आप में विशेष है। आज आपने क्या करना है, खोया ले लीजिए या खोए का कोई पेड़ा मिठाई वगैरह ले लीजिए स्वीट्स हलवाई से। खोया होता है जो दूध का बनता है, मावा जिसको बोल देते हैं, तो उसके आप करीब 11 पेड़े बना लीजिए, या 11 पेड़े ले लीजिए या 11 बना लीजिए, और फिर उसको या तो किसी धर्म स्थान में चढ़ा दीजिए, या किसी गरीब को दे दीजिए, या जल प्रवाह कर दीजिए, या कीड़े मकोड़ों को डाल दीजिए। बहुत विशेष उपाय मैंने आपको बता दिया है, इसकी शक्तियाँ कितनी हैं उनका वर्णन यदि मैं पूर्ण रूप से करने बैठूं तो एक ग्रंथ बन जाएगा। ये उपाय कर्ज मुक्ति कर सकता है, दुर्गा माता को प्रसन्न करने वाला यह उपाय, हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला यह उपाय आपको बहुत अधिक लाभ देगा और मंगल ग्रह को बहुत उच्च कर देगा। तो आप क्या करें, ये अवश्य करें, और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो 5 कन्या पूजन कर दें, कन्याओं को कुछ भी दे दें। तो ये ऑप्शन दी है मैंने, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे हमें खोया नहीं मिला, मावा नहीं मिला, तो फिर वो इस तरह से अपना ये उपाय कर सकते हैं। इससे कर्ज मुक्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, दुख दर्द मिटेंगे, परिवार में सुख शांति आएगी, बच्चों को सुख मिलेगा, रोग मुक्ति होगी, इन सब में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा, यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी, जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा, यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार,
और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।